हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं। जब हमारा आईपीडी भी नहीं चल रहा था तो ओपीडी से ही मैंने 75 बिस्तरों का इंतजाम किया था और जिसमें 25 बेड आईसीयू लेवल 3 के थे। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि कंप्लीट व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी हमने जिसमें सर्जिकल रिक्वायरमेंट था म्यूकर माइकोसिस में, पंजाब में दूसरे नंबर पर पीजीआई के बाद हम दूसरे स्थान पर रहे हैं म्यूकर माइकोसिस की सर्जरी करने में। और ये सब कार्य हमने ओपीडी से ही बिल्डिंग से किया था। अब हमारे पास आईपीडी की पूरी सुविधा शुरू हो गई है। हमने इनिशियली 50 बेड बिल्कुल तैयार करके रखा है। एक अलग सेपरेट गेट और एक अलग सेपरेट लिफ्ट से व्यवस्था की गई है जिसमें 6th फ्लोर पर सीधे कोविड के मरीजों को पहुंचाया जाएगा। और ये जो 50 बेड हम बता रहे हैं ये सभी बेड अलग अलग हैं, इसीलिए इन्फेक्शन होने का और इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। आइसोलेशन में इन पेशेंट को रखा जा सकता है। सर सौभाग्य से अभी तक हमारे पास कोई भी टेस्टिंग की सुविधा यहाँ है, टेस्टिंग हो भी रही है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। अगर आएगा, जैसा उसका क्लिनिकल सिचुएशन होगा, इलाज की उचित व्यवस्था है। हम सावधान हैं, जैसा कि मंत्रालय ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। दुनिया में फैल रहा है लेकिन हमें देखना है कि उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। पंजाब में वैक्सीन हेजिटेंसी ज़्यादा है, चाहे ये जनता की कमी कह लें, चाहे व्यवस्था की कमी कह लें, चाहे हमारी कमी कह लें। सेकेंड डोज और बूस्टर डोज यहाँ काफ़ी कम लोगों ने लगवाया है, उसको वैक्सीनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार हमें पूरी तरह से, केंद्र सरकार पूरी तरह सहायता कर रही है और जैसी जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हमें और चीज़ों को मुहैया कराने के लिए वादा किया है और करीब करीब सभी चीज़ें हमारे पास आए भी।